हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कलेक्टिव एनर्जीज में कि आपके जो व्यक्ति हैं, आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हैं, जिनके साथ आप तो या तो नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, ये पर्सन आपको लेके इस वक्त इस मुहूर्त में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिससे कि आप इस रीडिंग की एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट हो पाए। साथ में लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि और आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो चलिए। और अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिएगा, क्लेम करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स भी चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मिसिंग समवन लॉन्गिंग। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है। अगर नो कांटेक्ट में है आप अपने पर्सन के साथ या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके जो पर्सन है वो आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, बहुत अपसेट हैं आपके पर्सन, आपको याद कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। फीलिंग स्टक, नो वे आउट। और जो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो फीलिंग है, जो उदासी सी फील कर रहे हैं, उससे बाहर निकल पाए, पर आपको आपके पर्सन जो है अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस आपके लिए जो तड़प है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से आपके पर्सन के इस वक्त की फीलिंग्स है। और आपके पर्सन क्या फीलिंग्स है। इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट। ठीक है, और एक आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। एक तो आपके पर्सन जो है कुछ आपसे बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रहा है। और आपसे बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ आपके पर्सन ने जो पल बिताए हैं उस वजह से आपसे और भी अटैचमेंट फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी कोजी मोमेंट्स आपने बिताए हैं वो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और उन यादों को भुला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप उनके पास नहीं हो फिर भी आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आप उन्हें छू रहे हो या आप उनके पास हो, गले लगा रहे हो, ऐसा आपके पर्सन ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं। सराउंडेड बाई लव फीलिंग्स। तो मैंने आपको यही बताया कि जैसे आपकी टच फील कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप उनके पास हो, हर जगह सिंक्रोनिसिटी लग रही है, मतलब कि हर जगह ऐसा लग रहा है कि कहीं नाम सुन रहे हैं किसी का तो वो आपके आपका ही नाम सुन रहे हैं। ठीक है, कोई गाना सुन रहे हैं तो उन्हें आपकी याद आ जा रही है। इस तरीके से कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आप ही के लव फीलिंग से सराउंडेड हैं और आपके साथ जो पल बिताए थे उन्हें बार बार वो याद आ रही है, आपकी टच उन्हें बहुत याद आ रही है। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। करेज, बोल्ड स्टेप, रिस्क टेकर। आपके पर्सन का मन कर रहा है कि वो आपके तरफ आ जाएं और एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हैं ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में और क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। अभी आपके पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप ऑफ फेथ। देखिए, बोल्ड स्टेप लेना तो चाहते हैं पर उनको लगता है कहीं ये गलत स्टेप ना हो जाए,
कहीं आप बुरा मान ना जाओ या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े, तो इस तरीके की बातें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो एक तरीके से आपके पर्सन को लगता है कि अचानक से ये पर्सन आपकी तरफ कोई बोल्ड स्टेप ले या अचानक से अपनी जो दिल में एक्चुअल में चल रही है वो सारी बातें बताए, तो कुछ गलत स्टेप ना हो जाए। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? यहाँ पर है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और इनफिडिलिटी। हो सकता है आप या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त कांटेक्ट करना रिस्क होगा। हो सकता है आप किसी दूसरे के साथ एंगेज्ड हो या फिर आपके पर्सन एंगेज्ड हैं, या ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, या फिर आपके पर्सन के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते इस तरीके का रिलेशनशिप। तो जो भी करना है आपके पर्सन छुप छुप के कर रहे हैं, बोल्ड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और उनको इस बात का भी डर है कि किसी और को ना पता चल जाए कि उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल में और क्या फीलिंग्स है? यहाँ पर है मूव अहेड फॉरगेट द पास्ट। ठीक है, आपके पर्सन को फिर ऐसा लगता है कि इतना रिस्क है और इस तरीके की अगर सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या फिर इस तरीके का सिचुएशन है जहाँ की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि वो लेट गो कर दे चीज़ों को, ठीक है, और आगे बढ़े, पास्ट को भूलने की कोशिश करे। क्योंकि ऐसा तो आपके पर्सन कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप ही की यादों में है, कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, और ये आपके पर्सन के दिल में एक बार ये ख्याल भी आ रहा है कि आगे बढ़े अपने लाइफ में। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बिटरनेस, जलस। ठीक है, अगर आप किसी और के साथ हो तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जलस फील होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता है, और जलस तो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक आदमी है और वो देख रहे हैं कि यहाँ दो लोग ऐसे इंटीमेसी में हैं, तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं किसी और के साथ तो बहुत ज़्यादा बिटरनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा जलस आ जाता है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? तो यहाँ जो है कार्ड्स थोड़े चिपक गए हैं, तो इस कार्ड को लेते हैं। गुड टाइम, अलोन टाइम और यू एंड मी। तो आपके पर्सन वो आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया था उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ यू एंड, उनको ऐसा लग रहा है काश कि आप और आपके पर्सन रहे और कोई तीसरा ना रहे, इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन के दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन से आपकी बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपके साथ रिकनेक्ट होना ही इनका जो है मेन मकसद है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। और आपके पर्सन के देखते हैं और क्या फीलिंग्स है, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? यहाँ पर है सोशल मीडिया स्पाई, स्पाई ऑनलाइन डेटिंग। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया में से स्पाई कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिले थे, ऐसा भी हो सकता है, पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं किसी भी वे से। ठीक है, आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको चेक कर रहे हैं। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर। ठीक है, कुछ काफी लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, पर आप दोनों के बीच में ट्रू लव, एफेक्शनेट और सोलमेट, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आपके पर्सन को पता है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों कोई अगर और कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो ठीक नहीं है, पर आपके पर्सन फिर भी एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और इस कनेक्शन को भुलाना आपके पर्सन के लिए इतना इजी नहीं है। तो दिन रात आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं।
ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? पहला कार्ड आया है देखिए, फाइव ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सेम यहाँ जो कार्ड आया है, मिसिंग समवन लॉन्गिंग, बहुत आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा। आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हैं। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं? जस्टिस, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है कोई लीगल रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक ऐसा लगता है राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपसेट हैं कि आपसे कांटेक्ट करे या ना करे। ठीक है, इस तरीके के आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे, इनडिसिसिव हो रहे हैं, और उस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। और इनडिसिशन इस बात का है कि आपको आपसे क्योंकि रिकनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और तड़प रहे हैं आपके लिए, तो एक इनडिसिशन मोड में आने की वजह से आपके पर्सन और भी अपसेट हैं। और क्या आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड, ठीक है। काफ़ी परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिलीजियस इश्यूज, कास्ट इश्यूज, कल्चर इश्यूज हो सकता है, या फिर जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है। ऑलरेडी मैरिड हो, आप हो, आपके पर्सन हो, या ऑलरेडी एंगेज्ड हो। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त? फाइव ऑफ सोर्ड, ठीक है। खुद को डिफीटेड सा फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे विक्टिम टाइप का आपके पर्सन फील कर रहे हैं, खुद को विक्टिम सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, जो आपके साथ रिलेशनशिप है, उसमें दूसरों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर? ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपसे अगर बात करने जाएंगे तो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर दूसरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन एक डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, डिससेटिस्फाइड लग रहा है, पर मूव ऑन करना चाहते हैं, पर मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक मन में एक उम्मीद है कि आपके साथ वो रिकनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जब भी मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, तो फिर उन्हें आपकी याद आती है, तो फिर वो रास्ता जो है उन्हें आपकी तरफ ही ले जाता है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच सोलमेट है, का कनेक्शन है, ट्रू लव है आप दोनों के बीच में, इस वजह से ऐसा पर्सन आपके फील कर रहे हैं। देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन जो आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स है, उससे आपके पर्सन चाहते हैं कि शांति चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झंझट हुई होगी, किसी और की वजह से हुई होगी या आपस में हुई होगी, ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि या आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट हुई होगी किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अब वो नहीं रह पा रहे आपके बिना, और चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग हो और जो भी टफ सिचुएशंस था उसे बाहर निकल के एक स्मूथ रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? मैजिशियन, देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत प्रे कर रहे हैं आपको आपके पर्सन। और क्या सोच रहे हैं? थ्री ऑफ वैंड्स, देखिए आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा। आपके दोनों के बीच में लगता है फिजिकल डिस्टेंस भी इस वक्त है, और फिजिकल डिस्टेंस की वजह से भी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कूद कर आ जाए, ठीक है, ट्रैवल करके आ जाए, कूद कर आ जाए, दौड़ के आ जाए, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आ रही है। और क्या सोच रहे हैं? सेवन ऑफ सोर्ड, ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है, तो लगता है कि उनको लगता है कि वो अगर आपके तरफ एफर्ट करके आएंगे तो कहीं आप उनको इग्नोर तो नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में थोड़े डाउट्स भी हैं, ठीक है, डाउट्स हैं आपके मन में, और आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं दूर से, ठीक है, दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर?
टू ऑफ पेंट्स। देखिए हर रास्ता उन्हें आपकी तरफ ले जाता है, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। एट ऑफ वैंड्स, ठीक है, एट ऑफ वैंड्स आया है, फोर ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने बहुत सोचा है इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, और कई बार आपके पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, शांत थे, फिर भी प्यार कम नहीं हुआ आपके पर्सन के दिल में। प्यार अभी भी वही है, रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए है, और ये आपसे वही कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत वक्त लिया इस बारे में सोचने में कि एक्चुअल में उनकी फीलिंग्स आपके लिए है क्या। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ फ्यूचर में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आप ऐसे ही नहीं मिले हो, ये कोई फेटेड कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से ही आप दोनों मिले हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, ये पर्सन हो सकता है कि प्रोफेशनली अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करके चलाना चाहते हो, और हो सकता है स्टेटस अच्छे स्टेटस में हो, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपके तरफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, पर डेफिनेटली इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त तो यही चल रहा है, दिल में दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो अभी तो मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, वो है गूंजी सी है सारी दिशा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, सब गाते हैं सभी मत होश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, ठीक है। तो ये गाना मुझे आ रहा है आपके लिए चैनल सॉन्ग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, जो नहीं बता पा रहे हैं क्या बताना चाहते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। वाई आई एम स्टक ऑन यू, आई कॉन्ट मूव ऑन, हाउ हार्ड आई ट्राई, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। कई बार आपके पर्सन सोचते हैं कि आपसे आपके बारे में नहीं सोचेंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, पर आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं कि आपके पर्सन आप ही में स्टक है, वो आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिल इतना हार्ट से भरा हुआ है, इतना प्यार से आपके लिए भरा हुआ है, एक अट्रैक्शन है बहुत गजब का, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। फैंटेसी इज बेटर देन रियलिटी, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप दोनों साथ में हो, पर जब भी उठते हैं फिर उनको लगता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, आप उनके पास नहीं हो, तो उनको ये फील होता है कि सपनों की दुनिया ही खूबसूरत है रियलिटी से। और क्या आपके पर्सन सोचते हैं। आई एम क्रेजी फॉर यू, तो आपके लिए बिल्कुल पागल हैं आपके पर्सन, बहुत आपको प्यार करते हैं। और क्या फील कर रहे हैं। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड ट्विंकल इन माई आईज, बस आपके बारे में सोचने से ही आपके पर्सन के आंखों में चमक और चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा आपके पर्सन बोल रहे हैं। और क्या बोलना चाहते हैं। यू आर द वन आई वॉन्ट टू मैरी, तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और पेरेंट्स है आपके थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इतना आपके लिए तड़प रहे हैं तो आपके लिए कोई स्टेप जरूर लेंगे। और आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो बिल्कुल अलग पर्सन है, और आपके होने से, आपके उनके लाइफ में होने से वो और अच्छे हो सकते हैं। और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आई विश आई कुड टेक योर पेन अवे, उनको पता है कि आप भी दर्द में हो, आप भी उनको याद करते हो, आप भी तड़पते हो, तो आपके पर्सन आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके आपका जो दर्द है वो आपके पर्सन लेना चाहते हैं। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज, आपके पर्सन आपको तो मैरिज प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त और सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं।
योर डिस्ट्रस्ट इन मी इज डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ आप अपने पर्सन पे शक कर रहे थे, आपके पर्सन आप पे शक कर रहे थे, और जिसकी वजह से ही आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट हो गया। तो जो भी हुआ, आप दोनों के बीच में घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन तो मुझे नजर आ रही है। और क्या है आपके पर्सन सोच रहे हैं? लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस। आपके पर्सन जब से आपसे मिले हैं और भी बहुत दयालु हो गए हैं, दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, गिविंग एंड शेयरिंग उनमें आ गई है। ठीक है, दूसरों की मदद करते हैं, हो सकता है गरीबों की मदद करते हो, जैसे भी है आपके पर्सन कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क करते हैं। व्हेन आई सी यू आई लूज माई ग्रिप एंड कंट्रोल। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, आपको देखते हैं तो अपना जो है आपा खो देते हैं आपके पर्सन। आई एम इंटिमिडेटेड बाई यू। पर आप सामने आते हो तो बिल्कुल उनके हाथ पैर एकदम सुन पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या नेक्स्ट उन्हें क्या स्टेप लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनकी ये सारी फीलिंग्स है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, और आई क्लेम इट आपको लिखना है, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।